सबने बोला था कि एल्सा की रियल सिस्टर इन लोगों का शक्ल भी मिलता है तो देखो ना भाई डिट्टो है यो इनसे बड़ा लगता है ना बैंकर है खतरा बवाल रो क्यों रहे अब हेलो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी मस्त हूँ, बढ़िया हूँ। तो गाइस आज ना हम कहीं घूमने नहीं जा रहे, आज हम घर का खाना खाएंगे क्योंकि आपको पता ही है मटन मेरे हाथ का कितना बढ़िया बनता है। तो आज बहना ने बोला कि मटन बना के खिलाओ, तो पूरा रेडी हो चुका है, मैं बना रही हूँ अभी मटन। तो बस अभी थोड़ी देर बाद जब खाना खाएंगे तब बताऊंगी मैं कैसा होगा। यहाँ हमारी छोरी देखो लीची खा रही है, इनको फ्रूट्स बहुत पसंद है, सुबह सुबह उठते ही लीची खाती है। और हमारी दीदी तैयार हो चुकी है, यहाँ देखो आज इन्होंने इंडो पहना है और कितनी सुंदर लग रहे हो। हमारा गोलू प्याला सा गुड मॉर्निंग बोल दे, गुड आफ्टरनून भैया के है, गुड आफ्टरनून हो गया है। देखो घूमने के लिए जा रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है, आपके नेपाल के फैमिली आई है? अच्छा लग रहा है भाई। तो इतना तितर क्यों बन रहे हो? तो मम्मी की बहन नहीं आई, वो शायद नेक्स्ट टाइम आएंगी, उनको बहुत फोर्स करते हो, आती नहीं। अब देखते कब आएंगी। बेटी आ गई पर बेटी आ गई और बेटी की बेटी भी आ गई है यहाँ पे। ऐसे फूल झोली भर के हिंदी बोलना नहीं आता, हिंदी गाना गाना आता है इन लोग को। आता है थोड़ा थोड़ा आता है। फाइनली मटन बन चुका है, बस अब धनिया इसमें डालेंगे फिर पक जाएगा मटन भी। हमारे मामा सलाद का जुगाड़ कर रहे हैं, काट रहे एकदम बढ़िया से। तो मम्मी अब सर्व करने वाली है, कैसा लग रहा है मम्मी दिखने में? बहुत अच्छा। अब पता नहीं खाने में कैसा होगा। हमारे भेना जी को मैंने हॉट सीट पे बिठा दिया है, अभी भेना जी मटन ले रहे हैं अभी। और मैंने भेना को बोला है कि देखो झूठी तारीफें नहीं करनी है, अगर अच्छा नहीं है तो नहीं है बोलना। ठीक है बहना जी? ठीक सर। चलिए पहला टेस्ट कर चुके हैं। हजूर फिंगर क्रॉस कर लेते हैं। यो कुन उसमा बनाको एलिसा? कुन उसमा मतलब नेपाली स्टाइल में बनाको कि यो कुन स्टाइल ले बनाको? पता नहीं बहना जी। न हाम्रो एलिसा साली ले बनाको, मैले टेस्ट गर्दै छु, मिठो छ भने मिठो छ भन्छु, हजुर जे छ त्यही भन्छु ल। ओके पेट खराब हो जाता मेरा। बहुत मिठो छ हजुर, मलाई बहुत मिठो लाग्यो, बाहिरको मसला छैन, होममेड मसला बहुत मिठो लाग्यो। तो गाइस मैं पास हो गई, भेना जी को पसंद आ गया है। थैंक यू भेना, नाउ यू कैन एंजॉय योर फूड। थैंक यू। चलो बच्चे पार्टी लो, खाना खाने आ जाओ। चलो 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 उठ जाओ, चलो खाना खाने। कैसा लगा मामा? एकदम सही है। सही है? आप बताओ मामा, डोरेमोन बढ़िया है? तो गाइस फाइनली हम फिर से निकल चुके हैं अपने नए सफर में। भेना का आउटफिट ऑफ द डे, मेरा तो ऐसा लग रहा है बैंक बाहर जा रहे फॉरेन। और माँ बेटी ने आज सूट पहना है। हाँ तो माँ बेटी है, सबने बोला था कि एल्सा की रियल सिस्टर, यस रियल सिस्टर यू में। इन लोग का शक्ल भी मिलता है तो देखो ना भाई डिट्टो है यो। मेरा बिल्कुल भी नहीं मिलता, चलो भेना और मेरा मिलता है। चलो एरम तो साली को मेरो मिल्छ कि नाइ रुका है यो यो कालो कालो मत अलि कालो छु मैं भी काली हूँ। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले है ये ओके है ना। ओ कालो किस मारे ली माई बांधे। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं स्टारबक्स, हमारे भेना जी को कॉफी बहुत पसंद है तो आज भेना जी स्टारबक्स का कॉफी ट्राई करेंगे क्योंकि उन्होंने किया नहीं है एंड वो रिव्यू देंगे कि उनको कैसा लगेगा। ठीक है मनीष मल्होत्रा का एडिशन था जो कि स्टारबक्स के साथ शायद कोलैब या कुछ किया होगा, तो ये नया डिजाइन था इनके मतलब पैकेजिंग का। इतना भयंकर आर्ट तो मुझे लग नहीं रहा था, नॉर्मली लग रहा था। गाइस सिर्फ ये बोतल का ही 850 रुपीज है,
एक्सपेंसिव। गाइस हमारा ऑर्डर आ गया है, ये मेरा है और भेना का पसंद अमेरिकानो कॉफी, एंड दीदी कुकीज खाएगी, इनको कॉफी इतना पसंद नहीं है। मम्मी कुछ भी नहीं खाएगी, क्यों? आज मंडे है। और ये इसमें एग वगैरह होगा, एग ही होगा। एंड मेरी मम्मी कॉफी वगैरह कुछ नहीं पी। बता कैसा लगा भेना? बहुत मीठा। खतरा बंदो ना, एक बार खतरा सा बंदो। भयंकर तेरे डाले केरे। भयंकर हाँ, भयंकर बना ना मन बने। तू नजा रहे हो भाई, भयंकर बना ना। इनसे कुछ ऐसा कहा ना, भयंकर है। खतरा बवाल सर। नहीं 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 नहीं। आपको कैसा लगा? ठीक है यार, कॉल करो। गाइस मैं और कुछ ट्राई नहीं कर सकती, मुझे यही पसंद है। गाइज ये माँ बेटी को देखो, सकल देखो, पूरा मिल रहा है। ऐसा लग रहा मैं इनकी बेटी नहीं हूँ। ये अब हम निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं शॉपिंग क्योंकि दीदी लोग को सामान लेना है। बेना कॉफी अच्छा लगा? और बेना के पीछे बैकग्राउंड बड़ा सुंदर लग रहा है बेना। ये एक पोज मार दो ये। और यहाँ माँ छोरी एक दूसरे का हाथ ही नहीं छोड़ रहे हैं। सिंगल अलोन। सो गाइज अभी हम आ चुके हैं अपना फेवरेट जूडियो, क्योंकि दीदी को ये ब्रांड के बारे में मतलब उन्होंने सुना था पर कभी गए नहीं थे, तो मैंने बोला कि चलो यहाँ पे बहुत सारे जूडियो खुले हैं, तो अभी हम आ रखे हैं यहाँ पे। तो गाइज अभी दीदी ट्राई कर रही है। सो गाइज हमारी दीदी आ चुकी है, बहुत सुंदर लग रहा है दीदी, फॉरेनर्स लग रहे हो। झुमका थोड़ी लगा, बढ़िया लग रहा है। आप पे ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं ना। गाइज इसमें हमें बिल्कुल साइज नहीं मिल रहा, ये एक्सेस है। हमें या तो स्मॉल ही मिल जाता वो भी सही था, बट मीडियम तो दूर की बात है। वहाँ पर जूडियो मच, हर जूडियो में अलग अलग सामान होता है, मतलब बहुत रेयर और चांस होते हैं कि उधर और इधर मिल जाए। मेरी दीदी ने शॉपिंग भी कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं घंटा घर, क्योंकि यार देहरादून का मार्केट इज द बेस्ट मार्केट, तो वहीं पे पहले जाएंगे और शॉपिंग करेंगे। एंड चीप भी चीप मिल जाता है और क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है वहाँ पे। अभी हम आ रखे हैं भेना जी के लिए कुर्ता लेने के लिए। दीदी ने इतने सारे कुर्ते लिए, देखो एक ये और यहाँ देखो, सारे कलरफुल कुर्ते, मतलब सारे कुर्ते लेके जाने वाले हो आप। ये कितने सुंदर सुंदर कलर है, सारे पेस्टल कलर लिए इन्होंने। चलो अब हम जाएंगे मार्केट। गाइस नारियल पानी इन भीड़ रे। अभी मार्केट घूम के दीदी और मैं जा रहे हैं, एंड दीदी ने आज फिर से दही खाया है। इनको ये दही इतना पसंद आ गया, कुल्लड़ वाली, ये सिर्फ यही खाती है। घर भर कुल्लड़ ही कुल्लड़ है। दिन में कितनी बार खाती हूँ? दो बार ना, जितने बार बाहर निकलते उतने बार खाते हो। गाइस दीदी को ये कुल्लड़ भी चाहिए, तो हम कुल्लड़ पैक करके दीदी को भेजेंगे, कल दो दही पैक कर देंगे, आप वही खाते जाना। ठीक है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं, यहाँ देखो हमारे फैमिली मेंबर सब चहल पहल हो रहे हैं यहाँ पे, और मजा आ रहा है देहरादून में एकदम रमाइलो। हजूर तो क्या बोल रहे हैं लोग? ओ माय गॉड, दीदी के लिए गिफ्ट किसने दिया? जेनिस ने दिया। क्या है गिफ्ट में, जरा खोल के दिखाना। दीदी लगता है दीदी किसी ने गिफ्ट दिया है आज तक? नहीं तो चलो, भेना ने भी गिफ्ट नहीं दिया। नहीं देते बोला। देखो देखो, भेना तो ही ना, जेनिस ने बिचारा मेरे भाई की दी तुम मना तैयार। आज तो अरे आईफोन तो नहीं निकलेगा, ये घड़ी यार वॉच दिया है, स्मार्ट वॉच। कैसे ओ माय गॉड, ओए खोलो ना यार, इतना खोलो ना दिया उसके पास था कि नहीं। इसको खोलो, इससे इसका खोपड़ी होगा इसमें। ओ माय गॉड, ये निकालो ये निकालो, ये तो महंगा होगा यार। इसका बेल्ट तो देखो कैसा है, क्यों इतना दिया उसने। ओ वाह कितना, दो बेल्ट है, कितना सुंदर है ये।
कैसा लगा? बढ़िया ना मनसा दी, यू आर लकी गर्ल है। कैसे लगा? रो क्यों रहे हो अब यार? बड़ी इमोशनल लड़की है यार ये तो। रो रही है अब। गिफ्ट पाउंदा नहीं रो रहा। ओ क्या रे मेरा गिफ्ट पाउंदा नहीं रोता। लोग को गिफ्ट नहीं मिलता तब रोते, यहाँ गिफ्ट मिलने के बाद भी रो रही है। नहीं मतलब क्यों देने की जरूरत ही नहीं है ना, इतना महंगा गिफ्ट बेचारा खुद अभी स्ट्रगल कर रहा है। बाप रे बहुत बहुत सुंदर है यार। जल्दी जल्दी जेनिसा के घर जाके उसको थैंक यू बोल दो रहे। तो गाइस जिसने गिफ्ट दिया था वो आ चुके हैं। कहाँ है ये भाग रहे? ये हमेशा कैमरा देख के भाग जाते हैं। ये मामा माईजू आ गए। नमस्ते, ये फिर भाग गया ये। तो गाइस आज का दिन भी एंड हो जाता है एंड कल दीदी लोग भी चले जाएंगे, तो मतलब कल से थोड़ा सा घर ना ऐसा खाली खाली हो जाएगा। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो क्या करने का, डू लाइक शेयर कमेंट ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, बाय, गुड नाइट। मलाई बहुत मिठो लाग्यो, बाहिरको मसला छैन, होममेड मसला बहुत मिठो लाग्यो मलाई। 10 में से कितना? यस 10 में से कितना मार्क्स देते हो आप इसे? मार्क्स तो दे नहीं पाऊंगा। ओह माय गॉड, नदिया नेपालीमा ए हिन्दी त्यति आउँदैन हजुर हजुर, नेपालीमा अब म त्यो मार्क्स आछ नि मिठो छ। ओके क्योंकि हमारे बहना जी को कॉफी बहुत पसंद है। आ जाओ बहना, तो हम बहना के लिए कॉफी पीने, बहना को कॉफी पी।